हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो मेरा वीडियो लाइक किया, शेयर किया एंड सब्सक्राइब किया बेसिकली। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आई होप आपको KPI समझ में आया हो। अगर आया है बट उतने कमेंट्स आए नहीं मेरे पास में, सो आई वॉन्ट मोर कमेंट्स ऑन इट। और कोई सजेशन हो तो आप वो भी डालिएगा प्लीज़। जैसे कि सौरभ ने एक लिंक शेयर किया था एंड उससे क्वेरी रेज किया था, तो मैंने उसका सॉल्यूशन दिया था। तो अगर आप ऐसे ही क्वेरीज करते रहेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, प्लस उससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी एंड मेरी भी इन्हेंस होगी। सो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सिर्फ मैं वीडियो बनाऊँ आप देखो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। सो आई होप आप जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे आप उसे देखोगे, सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे एंड जो भी सजेशंस आएंगे वो आप मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉलेज के लिए। सेकेंड थिंग, अब आते हूँ अपने टॉपिक पे। देखिए, आज की डेट में हर बंदा कोई ना कोई कभी ना कहीं मैनेजर बनना चाहता है। सबकी चाहत होती है कि वो एक डिपार्टमेंट मैनेजर बने, स्टोर मैनेजर बने या फिर एरिया मैनेजर बने। सो हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ अ मैनेजर से, जो कि बेसिकली डिपार्टमेंट मैनेजर से असाइंड है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कोई भी मैनेजर बनता है तो आइदर वो डिपार्टमेंट मैनेजर बनता है या वो कैटेगरी मैनेजर बनता है। तो हम डिपार्टमेंट मैनेजर्स की बात करते हैं अभी। कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रमोटेड होंगे, कुछ अभी एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो अपकमिंग मैनेजर्स होंगे जो करेंटली ये वीडियो देख रहे हैं। सो ये मैसेज उनके लिए है कि एंड आई होप कि इस स्टेटमेंट से आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड आप ये चीज़ें अपनी कंपनी में अपने बॉसेस के साथ शेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हैं। पर रिचर्ड ब्रांसन एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। दैट मीन्स कि जो भी लॉयल एम्प्लॉय हैं वो आपकी कंपनी के लिए एसेट हैं, ना कि लाइबिलिटी हैं। तो आप इसी मिशन में काम करेंगे तो आपको हमेशा जो रिजल्ट है वो 100 मैक्सिमाइज मिलेगा, प्लस आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कस्टमर इंगेजमेंट है, प्लस स्टाफ इंगेजमेंट है, वो हमेशा 110% मिलेगा, ज़्यादा है 100%। सो इसी थॉट को आगे ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रोल ऑफ अ डिपार्टमेंट मैनेजर से। बेसिकली रोल ऑफ अ डिपार्टमेंट मैनेजर में कुछ चीज़ें आती हैं जो कि बहुत बेसिक होती हैं। किसी भी कंपनी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, देन स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर बेसिकली उसके कुछ KPIs आते हैं जो कि सेलिंग स्टैंडर्ड्स में आते हैं आपका, कि हम सेलिंग कैसे करते हैं। मैनेजिंग सेल्स के अंडर में सारी चीज़ें आएंगी, डिस्कस करेंगे। देन चेकलिस्ट आती है एक। सो वन बाय वन एक एक चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द कोर वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ में अगर हम बात करते हैं तो वैल्यूज़ आर कोर बिलीव्स दैट गाइड अस ऑन हाउ टू कंडक्ट आर लाइफ इन अ वे दैट इज़ मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग। दैट मीन्स हम जो भी काम करते हैं, पहली चीज़ हमें उससे संतुष्ट होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसका कोई ना कोई मीनिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने काम कर दिया उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। उसको हमें रेगुलर ट्रैक करना चाहिए, प्लस जो भी उसके फीडबैक्स आ रहे हैं या जो भी उसका एक्चुअल मीनिंग है वो हमें लोगों से भी शेयर करना चाहिए, जैसे कि अपनी टीममेट से या हम जिनसे डे टू डे वर्क करते हैं कस्टमर्स के लिए। तो रिटेंशन बढ़ता है उनका, ट्रस्ट बढ़ता है कस्टमर्स का हमारे ऊपर एंड उसी के थ्रू जो हमारा कस्टमर रिपीटेशन है वो इंक्रीज होता है। देन वी इंट्रैक्ट विद अदर्स, प्रेजेंट आर सेल्फ एंड टेक डिसीजंस। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। फिर कोई भी टास्क जो हम लेते हैं उसको हमें रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने किया, 2 महीने किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर जब उस टास्क की जो भी पोटेंशियल है जब वो डाउन होने लगेगा तब हम उस टास्क को रीस्टार्ट करें, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जो भी टास्क है हमारा, सपोज दैट ग्लोबल काउंट है, तो हमें ग्लोबल काउंट डेली बेसिस पे करना चाहिए। उससे ये रहता है कि हमारे अंदर एक जो हमारी IQ है वो एक्टिवेट रहता है हमें हमेशा, प्लस जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है वो हमें पता होती है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है। देन लास्ट थिंग की जो श्रिंकेज का पार्ट आता है वो भी मिनिमम हो जाता है, प्लस आपका इंगेजमेंट बढ़ जाता है आपके डिपार्टमेंट में। सो कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं वैल्यू, इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ बेसिकली। तो
फर्स्ट है इसकी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप डे टू डे आप अपने स्टाफ से इंगेज करते हो तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो भी इन्हांस होती है, उसके अंदर भी कुछ आइडियाज़ आते हैं। जब आप उससे इंटरेक्ट करते हो तो वो अपने आइडियाज़ शेयर करता है, एंड अगर वो आइडियाज़ अच्छे होते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किए अपनी टीम में या सबऑर्डिनेट्स में, सो वो ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड होगा एंड वो और इन्वॉल्वमेंट के साथ अपना काम करेगा। दैट मीन्स अगर वो 100% काम कर रहा है अभी तो वो 200% देगा अपना किसी भी टास्क को एकम्प्लिश करने में, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी उसका कंप्लीट अचीवमेंट है, टारगेट अचीवमेंट है, उसमें हेल्प करेगा। देन कुछ बेसिक आती हैं जैसे वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड्स, मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेशंस डिफाइन बिहेवियर। दैट मीन्स उनका बिहेवियर बताता है कि वो कैसे चीज़ों को डील करते हैं, पैनिक नहीं होते सिचुएशन में एंड सिचुएशन हैंडलर्स अच्छे होते हैं। इवन जो आपका स्टाफ है अगर आप उसको इंगेज करोगे, उसको बताओगे समझाओगे, प्लस कस्टमर इश्यूज जिस टाइप से टैकल किए जाते हैं वो सारी चीज़ें, तो उसका सेल्फ बिल्डिंग होगा एंड आगे जाके वो भी मैनेजर ही बनेगा। सो हम आते हैं कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं हर ग्रुप की, जैसे पैशन फॉर एक्सीलेंस है, इंटीग्रिटी इन एवरीथिंग है, एम्पावरमेंट है, देन अडेप्टिंग चेंज जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट कैसे करते हैं, देन कंज्यूमर बिहेवियर जो कि आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेली डे टू डे ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है और अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे तो कस्टमर आपके पास से चला जाएगा दूसरे प्लेटफॉर्म। सो इसीलिए सबसे नेसेसरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका डिज़ाइन करें या मार्केट में उसकी जो भी मार्केटिंग कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर IPL चल रहा है तो आप एवेंजर्स का प्रमोशन करो, IPL के टाइम पे IPL के ही प्रमोशन करें एंड एवेंजर्स के टाइम पे एंड गेम के टाइम पे एंड गेम का ही प्रमोशन करना चाहिए, ताकि जो कस्टमर हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे एंड उनकी फ्रीक्वेंट विजिट होती है। देन हम आते हैं अब बेसिक रोल ऑफ मैनेजर्स पे, जो आता है मैनेजिंग सेल्स। कोई भी डिपार्टमेंट मैनेजर हायर होता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उससे सेल्स का आउटपुट कितना आ रहा है। सब यही पूछते हैं कन्वर्जन कितना है तुम्हारे डिपार्टमेंट का, सेल कितना है, ROS क्या चल रहा है, देन बिल वैल बास्केट साइज क्या चल रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट में। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि सेल्स एंड सेलिंग। सेल्स एंड सेलिंग का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी स्टाफ है वो कितना रेडी है चीज़ों को फोकस फेस करने के लिए, प्लस जो हमारी एक ड्यूटी होती है कि हमारा जो स्टाफ है वो अपने कस्टमर के साथ में जिससे भी वो इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ में एक ऐसी रेपो बनाए कि उसको कस्टमर को कुछ भी नीड हो तो सबसे पहले वो स्टाफ से ही मिले आके या स्टाफ को कॉल पे ही पूछ ले कि क्या ये चीज़ अवेलेबल है। दैट मीन्स रिकग्निशन, नेम रिकग्निशन इज़ अ फर्स्ट थिंग जो कस्टमर के माइंड में होना चाहिए जब भी वो शॉपिंग के लिए सोचे। शॉपिंग के बारे में सोचे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसमें आना चाहिए कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे सपोज दैट अक्षय है तो अक्षय मुझे हेल्प कर देगा इस ऑर्गेनाइजेशन में इस आउटफिट लेने के लिए, या ये चीज़ अवेलेबल है उस स्टोर में या नहीं है। तो बेसिक कस्टमर इंट्रैक्शन इज़ अ फर्स्ट थिंग एंड कस्टमर रिकग्निशन इज़ अ फर्स्ट थिंग बेसिकली कि कस्टमर आपको रिकग्नाइज करे, आप कस्टमर को बहुत बार रिकग्नाइज करते हो। देन सेकेंड आते हैं हम, ऑनेस्ट होना चाहिए। सपोज दैट अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट करना, उनको बताने के पहले सबसे पहले आप बोलो सॉरी सर मेरे पास ये आर्टिकल नहीं है, रादर देन मैनिपुलेट करो बोलो सर ये नहीं ये उससे ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑनेस्ट रहो अपनी चीज़ों को लेके कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है आप बोल सको कि हाँ सर ये अवेलेबल नहीं है, बट हाँ इसके सब्स्टिट्यूट में ये अवेलेबल है अगर आपको चाहिए तो ये आप ले सकते हो। प्लस सेल ऑन वैल्यू, आप अपनी वैल्यू बनाओ एंड उस पर सेलिंग करो रादर देन प्रोडक्ट का जो फीचर है उस पर नहीं सेल करना चाहिए। प्रोडक्ट के फीचर कई बार ऐसा होता है कि कुछ नया आता है, इनोवेटिव आता है, बट कस्टमर उसको ट्राई नहीं करना चाहता, इसीलिए उस टाइम पे आपकी रेपो मैटर करती है कि आपका जो उसकी बॉन्डिंग बनी हुई है उसके साथ में वो कैसी बनी हुई है। अगर आपकी रेपो अच्छी बनी हुई है तो वो आपके ट्रस्ट पे वो प्रोडक्ट ट्राई करेगा, एंड मेरा यकीन मानिए अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपने उसको सजेस्ट किया है तो 100 में से 99% वो परचेस करेगा। प्लस अगर उसका फीडबैक अच्छा आता है
तो वो जो भी अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं उनको शेयर भी करेगा, आपका नाम भी शेयर करेगा। इससे भी आपको पास में जो एडिशनल फुटफॉल आएगा प्लस जो ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स हैं वो आएंगे आपके पास में, ताकि आप उनको फर्दर रिटेन कर सकें। देन सेकेंड पॉइंट आता है हमारा KPIs। KPIs के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप वो सब इजीली देख सकते हो एंड उससे समझ सकते हो। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा DSR। DSR का मतलब होता है डेली सेल रिपोर्ट्स। हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बेसिकली जितनी भी सेल कर रहे हैं उसको हम डे टू डे मॉनिटर करते हैं एंड एनालिसिस करते हैं। तो ये DSR जो है वो हम मंथली बेसिस पे भी करते हैं, देन ईयरली बेसिस पे भी करते हैं, ताकि हमारा जो लाइक टू लाइक ग्रोथ है या जो भी चीज़ें हैं वो हम इजीली ट्रैक कर सकें कि हमने इस दिन लास्ट ईयर कितना बिजनेस किया था एंड आज करेंटली हम कितना कर रहे हैं, मार्केट सिचुएशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी रणनीति है वो चेंज कर सकते हैं एंड जो भी करंट सिचुएशन है उसको अडैप्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है बेसिकली प्रमोशनल एक्टिविटीज। हर टाइम पे कोई ना कोई स्टोर या कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करती है। जैसे कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में दो तरीके से आप कर सकते हो, पहला है एक मास लेवल पे, दूसरा है आप लोकल लेवल पे। मास लेवल का मतलब होता है कि आप TV पे ऐड देना, देन रेडियो पे, RJ पे ऐड देना, या इंटायर पैन इंडिया ग्लोबलाइजेशन करना, ऑनलाइन मार्केटिंग करना, तो वो सारी चीज़ें आपका मास ब्रांडिंग में आती हैं। सेकेंड आता है BTL, जो कि बेसिकली एक स्टोर लेवल या लोकल लेवल पे, सपोज अगर आप किसी एरिया में रहते हो, आप नोएडा में रहते हो या लखनऊ में रहते हो या मुंबई में रहते हैं, सो वो एक पर्टिकुलर लोकलाइज मार्केटिंग है। तो जो मार्केटिंग होगी वो सिर्फ लखनऊ के अंदर होगी, दिल्ली के अंदर होगी, मुंबई के अंदर होगी या फिर नोएडा के अंदर होगी, ठीक है। उस चीज़ को हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं एंड वो स्टोर के भी आप में स्टोर वाले भी करते हैं कई कई बार। बहुत सारे टाइम्स अगर आप देखोगे, कभी न्यू ईयर आता है या कोई भी फेस्टिवल आता है, उस टाइम पे जो भी स्टोर्स होते हैं वो लीवलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, या जो भी न्यूज़पेपर आते हैं न्यूज़पेपर में आपके लीवलेट्स आते हैं साथ में अटैच होके, तो वो सारी मार्केटिंग जो आती है वो लोकल मार्केट लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो करती हैं वो लोकल मार्केटिंग बोलते हैं उसको, बेसिकली बिलो द लाइन मार्केटिंग बोलते हैं उसको। देन आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल टारगेट पे। हर स्टोर का कोई ना कोई स्पेसिफिक टारगेट आता है जो कि डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो जो भी टारगेट आपका आ रहा है वो आप चाहो तो जितने भी आपके अंडर में एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको पर एम्प्लॉय टारगेट शेयर कर सकते हो, या पर टीम में टारगेट दे सकते हो, टास्क दे सकते हो कि हमें इतना अचीव करना है आज, या बास्केट साइज का टारगेट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि हमें टोटल 15 बास्केट का टारगेट मिला है, मेरे पास 3 टीम मेंबर हैं, तो हम सबको इंडिविजुअल 5 बास्केट का टारगेट दे सकते हैं एंड उससे हम चीज़ें इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि किसका 5 का टारगेट अचीव हुआ है और किसका नहीं हुआ है। कुछ होंगे इसका 7 अचीव होगा, कुछ होंगे इसका 3 होगा, तो ओवरऑल अगर 15 आ रहा है, बट उससे हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं कि जिसने 5 बनाया है तो उसने अपने पोटेंशियल पे काम किया है, बट जिसने 5 या 7 बनाया उसने बिलो द नॉर्म काम किया है, अबव द नॉर्म काम किया है, सॉरी, जो भी अपनी पोटेंशियल है उसको चैलेंज किया उसने एंड उससे ज़्यादा उसने आउटपुट दिया। उसी तरफ जो सेकेंड एम्प्लॉय है जिसका 5 का टारगेट था उसने 3 ही किया, तो हमें उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो 5 की जगह वो 7 बनाए एंड जो 7 बना रहा है वो भी 7 बनाए, उससे हमारा ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्लस जो प्रॉफिटेबिलिटी है स्टोर की वो मैक्सिमाइज हो जाएगी एंड हमारी टीम कोऑर्डिनेशन जो टीम कॉम्पिटिशन है वो हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा हमेशा। देन जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैरामीटर होता है डिपार्टमेंट मैनेजर चेकलिस्ट, उस चेकलिस्ट में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेज़र करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि स्टाफ का जो परफॉर्मेंस ट्रैकर होता है डेली बेसिस पे, उसको ट्रैक करना, देन रोटा डिसाइड करना, फिर जो भी हमारे सेक्शंस हैं प्रॉपर स्टॉकिंग है उसमें या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें स्टॉक की अवेलेबिलिटी ना हो, स्टॉक अवेलेबल ना हो, तो उसकी अवेलेबिलिटी को डे टू डे चेक करना। देन सेल्स को मोटिवेट करना, टॉप लाइन हमारा हमेशा बढ़ा के रखना, हमें श्रिंकेज पे कंट्रोल करना, जो भी ट्रालियों में मर्चेंडाइज जा रहा है वो कितने टाइम में ट्रालियों क्लियर हो रहा है उसको मॉनिटरिंग करना उसकी,
एंड देन आता है फिक्सर अलाइनमेंट, प्लस जो भी फिक्सर्स होते हैं उसके पास साइनेजेस वगैरह प्रॉपरली लगे हैं अगर ऑफर टाइम चल रहा है तो. तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना एक डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए या किसी भी मैनेजर के लिए बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपके फीडबैक है, वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करिएगा. इवन दो जो KPI का मैंने पार्ट बताया कि KPI मैंने इसमें कवर नहीं किया, ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में KPI पे मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा नीचे सेम वीडियो में, तो आप उसको भी देखिएगा. दोनों में जो आपको बेस्ट फीडबैक लगे वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सो प्लीज़ कमेंट. थैंक यू.